अब तक हमने 3 सुपर हीरोज देखे, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सुपर हीरो की तरफ। तो अगले सुपर हीरो का नाम है ब्लैक पैंथर। तो भाई चलो अब हम ब्लैक पैंथर को देखते हैं। तो सबसे पहले सुनाते हैं हम ब्लैक पैंथर पर एक जोक। ब्लैक पैंथर ने स्कूल में क्या सीखा बताऊं? ब्लैक बोर्ड पर सब कुछ सिर्फ ब्लैक में होता है। नमस्ते था ना भाई जोक। तो भाई ये था अपना ब्लैक पैंथर। तो अब हम देखते हैं अपने अगले सुपर हीरो को। एक्चुअली ये सुपर हीरो नहीं लग रही है, तो सुपर हीरोइन है। इसको देखते हैं, ये कौन है रे? ये तो ब्लैक विडो है यार, ये तो बिल्कुल अलग है। इसको देखते हैं यार, चलो ब्लैक विडो को देखो। तो सबसे पहले ब्लैक विडो पर एक जोक सुनाते हैं। ब्लैक विडो का फेवरेट सॉन्ग क्या है? काला चश्मा, क्योंकि उसको ब्लैक शेड्स में रहना पसंद है। मतलब धूप में रहना पसंद है तो भाई इसलिए वो काला चश्मा लगाती है। ब्लैक विडो है तो भाई काला चश्मा ऑब्वियसली लगाएगी। तो भाई ब्लैक विडो भी मस्त थी यार, इट्स अ ब्लैक विडो। चलो अपने भरते हैं अगले सुपर हीरो की तरफ। अगला सुपर हीरो है फैल्कन। भाई फैल्कन को देखते हैं, चलो मस्त है भाई, फैल्कन भी मस्त था, देखते हैं। ये है अपना नया वाला फैल्कन। पता नहीं यार, मुझे ये नया वाला फैल्कन ज्यादा खास नहीं लगा। आप कमेंट में बताइए कि पहला फैल्कन अच्छा था कि नया वाला फैल्कन अच्छा है। तो चलो आपको मैं फैल्कन पर जोक सुनाता हूँ। तो फैल्कन को आधार कार्ड बनवाने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उसका पता हमेशा स्काई में होता है। क्योंकि वो उड़ता ही रहता है ना, इस वजह से। तो भाई ये है अपना फैल्कन। इसके इसके पंख, इसके पैर, ये देखो यार क्या मस्त लग रहा है रेड कलर में। इसका यह चेहरा मस्त भाई, मस्त फैल्कन। सही है यार फैल्कन, ये भी सही है, पर मुझे वो वाला बढ़िया लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।